नमस्कार, मैं राजा कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं TNPL का मैच नंबर 1 जो खेला जाएगा पिछले साल के चैंपियन टीम LKK वर्सेस सामने होंगी CSG की। CSG के पास इस सीजन संजय यादव नहीं खेलने वाले हैं, संजय यादव खेलेंगे दूसरी टीम में। तो इस टीम के जो स्टार प्लेयर थे उनका इनको कमी खेलेगा और पहले कुछ मैच के लिए इनके पास सही सुदर्शन अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि वो इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का जो सीरीज होगा तो वहां पे इंडिया स्क्वाड में है। तो दोनों के पास इनके पास तो परमानेंट एक झटका है, इनके पास एक टेम्पोररी झटका है। बाकी वेन्यू को लेकर बात करेंगे, SCR क्रिकेट ग्राउंड सली में मुकाबला खेला जाएगा शाम 7:15 में। ध्यान सुनिएगा, TNPL का लास्ट सीजन PR फैमिली का शानदार जबरदस्त गया था, मुझे पूरा उम्मीद है ये सीजन भी हम लोगों का अच्छा जाएगा। बाकी टॉस के बाद प्लेइंग 11 आने के बाद एग्जैक्ट पिच रिपोर्ट आने के बाद अगर मेरे टीम में कुछ भी फेरबदल होती है उसका अपडेट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, चले जाना है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, वहां पे जाने के बाद सबसे टॉप कमेंट में आपको देखने को मिलेगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक करके सभी भाई को टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन करके रख लेनी है। और मेरे दोस्त, अगर आप लोगों में से अभी भी कोई भाई ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी है, अभी का भी टाइम निकालिए और सबसे पहले यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। वेन्यू स्टैट्स को लेकर बात करेंगे, मुकाबला खेला जाएगा SCR क्रिकेट ग्राउंड सलीम में और औसतन मैंने यहाँ पे देखा है कि स्कोर बनते हैं 150 के आसपास। पहला मैच है टूर्नामेंट का तो आप 10-15 ऊपर रन उम्मीद करके चल सकते हो, लेकिन दोनों टीम की गेंदबाजी अटैक मजबूत है, बल्लेबाजी बहुत ज्यादा कमजोर है। एवरेज स्कोर 150-170 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, हाईएस्ट टोटल 211, लोएस्ट टोटल 73। अगर हम बात करें वेन्यू T20 स्टैट्स को लेकर, टोटल मैच खेले गए 19, बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है 11, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है 8 मुकाबला। T20 स्कोरिंग पैटर्न के ऊपर ध्यान देंगे, बिलो स्कोर 150 बने 11 टाइम्स, बिटवीन 150-169 बने 1 टाइम्स, बिटवीन 170-189 बने 2 टाइम्स, एबव 190 बने 5 टाइम्स। तो जब आप इसके ऊपर ध्यान से देखोगे तो आपको मालूम चलेगा बिलो स्कोर 150 सबसे अधिक बना हुआ है और मुझे लगता है यहाँ भी 150-155 से ज्यादा आप उम्मीद करके मत चलना। अब अगर आप बात कर लेंगे लास्ट के कुछ मुकाबले जो इस वेन्यू पे खेले गए वहां पे कैसे क्या स्कोर बने तो वही आपको बताएगा इस पिच का एक्चुअल नेचर। सबसे लास्ट मुकाबला NRK और यहाँ पे SMP की टीम आमने सामने आई थी 8 जुलाई 2023 को, जहां पे NRK की टीम 20 ओवर लगाती है 211 6 विकेट नुकसान पे, जवाब में SMP की टीम 207 4 विकेट नुकसान पे 20 ओवर में। फर्स्ट इनिंग पेसर 3 स्पिनर 3, सेकंड इनिंग पेसर 2 स्पिनर 1 विकेट, उससे पहले जाओगे तो लैका की टीम लगाई थी 20 ओवर में LKK लैका कोई किंग्स 193 7 विकेट नुकसान पे और दिंडुकुल ड्रैगन्स लगाती है 163 9 विकेट नुकसान पे 20 ओवर में। फर्स्ट इनिंग पेसर 5 स्पिनर 2, सेकंड इनिंग पेसर 7 स्पिनर 2 विकेट, इससे पहले जाओगे 29 जून 2023 को TCC पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पे लगाती है 18.5 ओवर में 105 10 विकेट नुकसान पे, जवाब में SMP लगाती है 17 ओवर में 108 रन 3 विकेट नुकसान पे। फर्स्ट इनिंग पेसर 4 स्पिनर 6, सेकंड इनिंग पेसर 3 स्पिनर 0 विकेट। अब सबसे बड़ी जो बात आती है पेस वर्सेस स्पिन, लास्ट के 10 T20 मैच में तो पेसर्स को मिले 61 विकेट, स्पिनर के खाते में गए 50 विकेट। अब आती है हेड टू हेड को लेके, जब दोनों टीम आमने सामने आई है तो क्या हुआ है, तो यहाँ पे जो है वैसा चेपा की टीम लैका के ऊपर हावी रही है। दोनों टीम आमने सामने आई है 5 दफा, 1 दफा जीती है लैका, 3 दफा जीती है CSG की टीम, 1 दफा रहा है नो रिजल्ट। लैका कवे किंग्स की अगर लास्ट 5 मैच को लेकर बात करें तो लास्ट सीजन विन 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 करके आ रही टीम, वही चेपा को लेकर बात करें विन लॉस 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 करके ये टीम आ रही है। अब भाई हम बात कर लेते हैं लास्ट सीजन में दोनों टीम जब आमने सामने आई थी लास्ट मुकाबले तो क्या हुआ था, लास्ट सीजन की दोनों टीम की हम लास्ट मैच को लेकर बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिखेंगे चेपक की जो टीम है वो लास्ट मुकाबले 58 रन से जीत के आ रही है और लैका की टीम 104, मतलब आमने सामने की मैच नहीं है, दोनों टीम की लास्ट सीजन की लास्ट मैच है जहां पे इनका तो फाइनल है। संतोष सिंह 16 किए थे, एस मदन 5 किए थे, अपराजित 10, संजय यादव 20, ध्यान रखिएगा वो इस टीम में इस बार नहीं है, जितेंद्र कुमार 13, हरीश कुमार 2, RCB 31 और UT सचिन 25 रन किए। गेंदबाजी में यहां पर अगर हम बात कर लेंगे हरीश कुमार 2 में 23 रन एक विकेट, अपराजित जब जब सामने लेफ्टी होंगे अपराजित अच्छा खासा ओवर डालेंगे 3 ओवर 2 रन एक विकेट, राहुल सातों में 12 रन एक विकेट, रॉकी भास्कर
एक में आठ, शीला वर्षम तीन ओवर 12 रन 5 विकेट, संजय यादव तो खेलेंगे इस टीम से। अगर हम बात करेंगे सामने वाले टीम को लेके, तो यहाँ पे सुजय साहब कैप्टन, सॉरी विकेट कीपर बल्लेबाज सुरेश कुमार, टैलेंटेड बल्लेबाज है, लाजवाब बल्लेबाज है, बैक केवल भी कहेंगे 57, सचिन 12, मुकेश 51, कभी कभी गेंदबाजी भी कर देते हैं, कैप्टन शाहरुख खान 60, अतिकू रहमान 50 और आर अरविंद के 10 रन। ध्यान रखिएगा दोनों टीम की जो बल्लेबाजी रेट होंगी वो कुछ प्लेयर के ऊपर डिपेंड करने वाली है, जो मैं प्लेइंग 11 बताऊंगा वहां पे मैं इन चीजों का जिक्र करूंगा। नए बॉल से बॉलिंग डालेंगे के गौतम, नए बॉल से विकेट भी लेकर चले जाते हैं सिद्धार्थ, 2 में 13 रन की विकेट, शाहरुख खान 4 ओवर 16 रन 3 विकेट, जय सुब्रमण्यम 4 ओवर 21 रन 4 विकेट और एम मोहम्मद 2 ओवर 11 रन 1 विकेट। अब आइए बात करते हैं पॉसिबल प्लेइंग 11 विथ बैटिंग ऑर्डर, लयका की क्या रहने वाली है तो आपको दिख जाएंगे, एस सुजय, सुरेश कुमार, एम आर अरविंद, उसके अलावा बी सचिन, देन आफ्टर शाहरुख खान, यू मुकेश, अतिकुर रहमान, के गौतम, उसके अलावा जो यहाँ पे एम मोहम्मद, एम सिद्धार्थ और जे सुब्रमण्यम, गेंदबाजी में सुब्रमण्यम का 4, एम सिद्धार्थ का 4, पावर प्ले में आके विकेट लेके जाएंगे ये और यहाँ पे के गौतम, फिर यहाँ पे मोहम्मद का 2 से लेकर 4 ओवर के बीच में इनका ओवर भैया कभी कट जाता है कभी बढ़ जाता है, नेचर ऑफ द विकेट अगर स्पिन के लिए ज्यादा मदद नहीं हुई तो ये डालेंगे, अदरवाइज इनका स्पिन कट जाता है। फिर के जी स्टार्टिंग में 1 से लेकर 4 ओवर के बीच में मैंने कहीं दफा देखा है ये 2 ओवर डाल के रुक जाते हैं, फिर कभी 3 डालेंगे कभी 4 डालेंगे, फिर यहाँ पे मुझे लगता नहीं इनसे ज्यादा ओवर डलवाया जाएगा, कभी कभी यू मुकेश आके 1-2 ओवर डाल देंगे, कभी अतिक उदामान आके 1-2 ओवर डाल देंगे, लेकिन शाहरुख खान डालेंगे ठीक ठाक ओवर, इनसे आप यहाँ पे 3 से लेकर 4 ओवर उम्मीद करके जरूर चलना। एक चीज और ध्यान रखना, सुजय लेफ्टी, सचिन लेफ्टी और यहाँ पे अतिक रहमान लेफ्टी, मतलब 3 लेफ्टी है तो आप ठीक ठाक ओवर की उम्मीद जो है भवा अपराधी से भी करके चल सकती हो। अब आइए हम बात करते हैं प्लेयर स्टैट्स को लेकर, सबसे पहले हम बात कर लेंगे यहाँ पे एस सुजय, लास्ट ईयर देखिएगा तो इनका हेड टू हेड नहीं है, लास्ट ईयर वेन्यू पे 3 मैच में 87 रन किए हुए हैं रिसेंटली, 7, 12, 4, 44 उसके अलावा 31। फिर आपको जो जाएंगे सुरेश कुमार, टैलेंटेड बल्लेबाज, लास्ट ईयर 1 मैच खेले थे हेड टू हेड में जहां पे 47 के थे, और लास्ट ईयर वेन्यू पे 3 मैच में 59 रन, भैया हमारी जो रिसर्च टीम है वो काफी स्ट्रॉन्ग के साथ आपके पास तगड़ी डिटेल्स लेके आई है, मतलब लास्ट ईयर हेड टू हेड, लास्ट ईयर वेन्यू और रिसेंटली 57, 26, 64, 4, 29। राम अरविंद को लेकर बात करें, लास्ट ईयर हेड टू हेड 1 मैच में 3 रन, लास्ट ईयर वेन्यू पे 3 मैच में 56 रन, रिसेंटली 22, 15, 56, 13, 101। ध्यान रखिएगा अगर आपको TNPL में मिलना है ना, आपको मैच से पहले फील आ जाएंगे मुकाबला कैसा है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, 3-4 मैच में आपको कवर करूंगा, मैं आपको समझ में आ जाएंगे TNPL हमारी कैसे जाती है। बी सचिन को लेकर बात करेंगे तो 1 मैच में 14 रन, लास्ट ईयर 1 मैच में 70 रन, यहाँ पे लास्ट ईयर वेन्यू पे रिसेंटली 16, 35, 5, 13, 12। एम शाहरुख खान, इनको तो किसी हाल में नहीं छोड़ना है, लास्ट ईयर हेड टू हेड 1 मैच में 1 विकेट, लास्ट ईयर वेन्यू 3 मैच 31 रन 5 विकेट, रिसेंटली 2, 37, 58, 8 रन 0 विकेट, 8 रन 0 विकेट। यू मुकेश, लास्ट ईयर हेड टू हेड 1 मैच में बैटिंग नहीं आया, लास्ट ईयर वेन्यू पे 3 मैच में 83 रन, रिसेंटली 11 रन 2 विकेट, 66 रन 1 विकेट, 36 रन 3 विकेट, 22 रन 4 विकेट। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे अतिक उर रहमान, बेहतरीन प्लेयर है, अच्छे प्लेयर है, मैं तो बोलूंगा अगर इनकी पहले बल्लेबाजी आए तो मिनी सीएल में बैक करके चल सकते हो। लास्ट ईयर देखिएगा हेड टू हेड में 1 मैच में जो है घुमट बैटिंग, फिर लास्ट ईयर वेन्यू 2 मैच 56 रन 0 विकेट, रिसेंटली 78 रन 0 विकेट, 38 रन 1 विकेट, 33 रन 0 विकेट, 52 रन 3 विकेट 0 विकेट। के गौतम नए बॉल से आके बंचे से विकेट लेके चले जाते हैं, लास्ट ईयर 3 मैच में 8 विकेट वेन्यू पे, लास्ट ईयर हेड टू हेड 1 मैच में 0 विकेट, रिसेंटली 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट। एम मोहम्मद को लेकर बात कर लेंगे, लास्ट ईयर हेड टू हेड 1 मैच में 1 विकेट, लास्ट ईयर वेन्यू पे 3 मैच में 5 विकेट, रिसेंटली 17 रन 0 विकेट, 4 रन 0 विकेट, 8 रन 0 विकेट, 21 रन 3 विकेट और 0 रन 0 विकेट। उसके अलावा अगर हम बात कर लेंगे यहाँ पे भैया एक रूल जो है वो इंपैक्ट प्लेयर वाला पिछले सीजन था, मुझे लगता है इस सीजन भी होगा और वो कहीं ना कहीं एक सीजन बना रहता है। एम सिद्धार्थ, लास्ट ईयर हेड टू हेड 1 मैच में 1 विकेट, लास्ट ईयर वेन्यू में 3 मैच में 3 विकेट, रिसेंटली 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट। जे सुब्रमण्यम एक और विकेट टेकर के बाद, मैं तो बोलूंगा अगर स्पिन फ्रेंडली विकेट होती है किसी को ड्रॉप करना, सुब्रमण्यम को ड्रॉप मत करना। लास्ट ईयर हेड टू हेड 1 मैच में 1 विकेट, लास्ट ईयर वेन्यू पे 3 मैच में 3 विकेट, रिसेंटली 48 रन 1 विकेट, 4 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट। फिर नीचे अगर हम बात कर लेंगे स्टार्टिंग एंड जिस ओवर को लेके, स्टार्टिंग ओवर के गौतम थम रहे, उसके अलावा एम मोहम्मद और एम सिद्धार्थ, डेथ में के गौतम, उसके अलावा एम मोहम्मद और शाहरुख खान। अगर हम बात करेंगे बेंच पे आपको दिखेंगे दिवाकर, ये भी डेथ स्पेशलिस्ट है, खेलते हैं तो 1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 3 विकेट 3 विकेट।
बाकी मुझे यहाँ पे जो है ये दिलप्पा कभी कभी खेल लेते हैं, विकेट टेकर गेंदबाजें दिखेगा रिसेंटली, दो विकेट एक विकेट जीरो विकेट जीरो विकेट। अब भाई हम बात कर लेते हैं सीएसजी, वैसे टीम मुझे काफी कमजोर नजर आ रही है। सीएसजी में अगर आप इसमें से तीन प्लेयर को रिमूव कर दे तो एक तो मैं बोलूंगा यहां से आप जाओगे जगदीशन, उसके अलावा नीचे आ जाओ अपराजित, और एक आपको दिख जाएंगे यहां पर कहां चले गए तनवर। तो ये टीम मुझे काफी ऑन पेपर कमजोर नजर आ रही है। सामने का भी वही हाल है, जो कद तोड़ा वही कद मोरा, लेकिन इनके पास जो मैच विनर जो है तीन है, उनके पास दो है, एक तो सुरेश और दूसरा अपना दिख जाएंगे कौन आपको दिख जाएंगे वहां पे शाहरुख खान, जैसे सुदर्शन आ जाएंगे तब तो भैया वो सबको कूट देते हैं। ओपनर जगदीशन के साथ पी रंजन पॉल, ये सिद्धार्थ अभी रिसेंटली अच्छा खेले हैं, अपराजित डी फेरियो, देन आफ्टर राजा गोपाल, सतीश कभी कभी गेंदबाजी कर लेते हैं, सतीश पुराने चावल है लेकिन गेंदबाजी रिसेंटली नहीं कर रहे हैं, अश्विन क्रिस्ट, उसके बाद ए तनवर, राहिल शाम जी, परेश्वर और यहाँ पे एम सिलवरसम। गेंदबाजी में सिलवरसम से आप तीन से लेकर चार ओवर उम्मीद करना, जी परेश्वामी से चार ओवर उम्मीद कर सकते हो, राहिल शाह से चार ओवर, ये तनवर कैप्टन इसी के मटेरियल हो सकते हैं, तीन से लेकर चार ओवर, देन आफ्टर यहाँ पे अश्विन क्रिस्ट दो से लेकर चार ओवर और अपराजित दो से लेकर चार ओवर, इन सबके बीच में डिवाइड हो सकता है। ज्योत प्रदीप गोपाल और यहाँ पे डी फेरियो भी ठीक ठाक ओवर डाल सकते हैं। एक चीज के ऊपर जब ध्यान दोगे तो रंजन पॉल लेफ्टी हैं, उसके बाद आपको लेफ्टी यहां पे दिखेंगे ही नहीं, मतलब वो शाहरुख खान दिख रहे हैं ना, वो उतने भी इफेक्टिव गेंदबाजी से नहीं होंगे अगर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को ध्यान देते हुए गेंदबाजी करते हैं तो, अदरवाइज इस टूर्नामेंट में कभी भी अच्छा खासा स्पेल डाल लेते हैं। फिर आपको दिख जाएंगे एन जगदीशन, इस टूर्नामेंट के रन मशीन, और मुझे लगता है इस सीजन में सबसे अधिक रन करने वाला प्लेयर यही होंगे। लास्ट ईयर हेडक्विड एक मैच में चार रन, यहाँ पे लास्ट ईयर वेन्यू दो मैच में 50 रन, रिसेंटली 4, 37, 48, 48, 79, पी रंजन पॉल लास्ट ईयर हेडक्विड एक मैच में 6 रन, लास्ट ईयर वेन्यू दो मैच में 5 रन, रिसेंटली 33 रन 0 विकेट, 13 रन 0 विकेट, 42 रन 3 विकेट, 79 रन 2 विकेट, 136 रन 2 विकेट। यहाँ पे गेंदबाजी से उम्मीद नहीं कीजिएगा। फिर यहाँ पे सी ए सिद्धार्थ को लेकर बात कर लेंगे, लास्ट ईयर नहीं खेले थे लेकिन रिसेंटली 70, 27, 73, 0 करके आ रहे हैं, में भी यहाँ पे इनको मौका मिल सकता है। फिर हम बात कर लेंगे बाबा अपराजित, अपराजित कैप्टन वीसी के तगड़े मटेरियल, सामने वाले टीम में लेफ्टी ठीक ठाक है, मतलब इनका ओवर भी यहाँ पे ठीक ठाक होने वाला है। लास्ट ईयर हेडक्विड एक मैच में 12 रन 0 विकेट, लास्ट ईयर वेन्यू दो मैच में 112 रन 2 विकेट, रिसेंटली 7 रन 0 विकेट, 45 रन 2 विकेट, 2 रन 1 विकेट, 3 रन 3 विकेट और 0 विकेट। डी फेरियो रिसेंटली 0, 12 रन 0 विकेट, 45, 21, 42 रन 0 विकेट, राजा गोपाल सतीश लास्ट ईयर वेन्यू पे 2 मैच में 15 रन, रिसेंटली डू नॉट बैट 0, डू नॉट बैट 31, 5। ये राजा गोपाल सतीश एक वक्त सबका कैप्टन भी सीवा करते थे, आज वही दिन है कि हम लोग सोच रहे हैं कि इनको ले या ना ले। फिर आपको दिख जाएंगे अश्विन क्रिस्ट, ये भी अच्छे प्लेयर हैं, लास्ट ईयर पे ध्यान मत दीजिएगा लेकिन इनका रिसेंटली देखिएगा 8 रन 1 विकेट, 13 रन 3 विकेट, 32 रन 2 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट। अब से एक तंबर लास्ट ईयर वेन्यू पे एक मैच 29 रन 0 विकेट, रिसेंटली 0 रन 0 विकेट, 0 विकेट, 17 रन 0 विकेट, 4 रन 1 विकेट, 29 रन 0 विकेट। राहिल शाह लास्ट ईयर हिट टू हिट एक मैच में 1 विकेट, लास्ट ईयर वेन्यू एक मैच में 1 विकेट, रिसेंटली 7 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट। एक और विकेट टेकर गेंदबाज घनश्याम को लेकर बात कर लेंगे, विकेट टेकर है ध्यान रखिएगा, पहले गेंदबाजी में जरूर बैट कीजिएगा। लास्ट ईयर हिट टू हिट एक मैच में 2 विकेट, लास्ट ईयर वेन्यू पे 2 मैच में 2 विकेट, रिसेंटली 3 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट। एम सिलवरसम को लेकर बात करेंगे, लास्ट ईयर हेड टू हेड एक मैच में 0 विकेट, लास्ट ईयर वेन्यू पर 2 मैच में 3 विकेट, रिसेंटली 18 रन 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट और 3 विकेट। अब अगर यहाँ पे बात करेंगे स्टार्टिंग एंड डेथ ओवर्स को लेके, तो आपको स्टार्टिंग ओवर दिख जाएंगे सीएसजी के साइड से अश्विन क्रिस्ट, अभिषेक तनवर और गणेशन। बात करें डेथ में तो बाबा अपराजित, अभिषेक तनवर और गणेशन दिखेंगे, बेंच पे दिखेंगे बाला सूर्या, ध्यान रखिएगा खेलते हैं जरूर पिक कीजिएगा, स्पिनर है, विकेट टेकर स्पिनर है लोकेश राज, बल्लेबाजी प्लस गेंदबाजी दोनों से पॉइंट देंगे, बाकी मुझे यहाँ पे कोई अच्छे पिक नजर नहीं आ रहे हैं। इनकेस अगर कोई खेलते हैं आपके सामने स्टैट्स होगा, आप चाहो तो बैक करके चल सकते हो। अब भैया बात करते हैं अपनी फैंटेसी टीम को लेकर, ध्यान रखिएगा टॉस के बाद प्लेइंग 11 आने के बाद एग्जैक्ट पिच रिपोर्ट आने के बाद मेरी टीम में कुछ ना कुछ फेरबदल जरूर होंगी, जिसको लेकर मैं आपको टेलीग्राम पे अवगत करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, चले जाना इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, वहां पे जाने के बाद सबसे टॉप कमेंट में आपको देखने को मिलेगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक करके सभी भाई को टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन करके रख लेनी है। और मेरे दोस्त आप लोगों में से बहुत सारे भाई अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो लाइक करने में कंजूसी क्यों, एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना है, क्योंकि टीएनपीएल का पहला मैच है, यहीं से हम लोग को जो बिगुल फूंक देनी है। विकेट के पीछे मैंने जगदीशन को लिए, फिर मैंने जय सुरेश कुमार दोनों को लिए,
बैटिंग से यू मुकलेस, ऑलराउंडर से अपराजित अश्विन की शाहरुख खान, बॉलिंग से राहिल शाह एम मोहम्मद, अभिषेक तंवर एम सिद्धार्थ और गणेशन को मैंने जगह दी है। इनके अलावा दो प्लेयर जिनको मैं अश्विन किस्ट की जगह ले सकता हूं, एक तो मैं शायद बालासूर्या, दूसरा सुब्रमण्यम, ये दोनों मेरी टीम में इन प्लेस ऑफ अश्विन किस्ट हो सकते हैं। कैप्टनसी के बारे में अभी के लिए शाहरुख को दिए, ऋषि मैंने अपराजित को दिया हुआ है। इनके अलावा सुनिएगा ध्यान से, दोनों विकेट कीपर बल्लेबाज कैप्टन ऋषि के अच्छे मटेरियल हो सकते हैं। इनके बाद रिस्क टेकर अभिषेक तंवर और एम सिद्धार्थ को भी कैप्टन ऋषि देकर जा सकते हो। बड़े वाले ग्रैंड लीग में आप क्या कर सकते हो, कैप्टन ऋषि यहाँ पे एम मोहम्मद और एक क्रिस्ट का भी कॉम्बिनेशन उतार सकते हो। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंजॉय कीजिए, अच्छा खासा विन कीजिए और समझदारी से मिनी जीएल जरूर ट्राई कीजिए। धन्यवाद।